अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से AI को यूज करके बच्चों के लिए स्टोरीज की वीडियोस बना सकते हैं और उससे आप YouTube चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम अपनी कहानी के लिए स्टोरी जनरेट करेंगे। स्टेप नंबर टू में हम वॉइस ओवर क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर थ्री में हम अपनी स्टोरी के लिए विजुअल्स यानी कि इमेजेस क्रिएट करेंगे और स्टेप नंबर फोर में हम इन सारी चीजों को यूज करके वीडियो बनाएंगे। स्टेप नंबर वन, स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपने चैट GPT को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अगर आपने लॉग इन नहीं किया हुआ तो आपने लॉग इन कर लेना है और इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। चैट GPT में आपने अपनी स्टोरी का टाइटल देना है कि आप कौन से टॉपिक पे स्टोरी बनाना चाह रहे हो। तो मैंने इस तरह से आप एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जो मैंने प्रॉम्प्ट यूज की है, तो चैट GPT आपको एक स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। स्टेप नंबर वन हो गया कंप्लीट, हमारे पास कहानी के लिए एक स्टोरी आ चुकी है। स्टेप नंबर टू में हम क्रिएट करेंगे इस स्टोरी के लिए वॉइस ओवर। तो इसके लिए काफी सारे ऑनलाइन AI टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आज यूज करूंगा 11 लैब्स क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आप इसमें आपको डिफरेंट किस्म के वॉइस एक्टर्स मिल जाते हैं। तो आपने 11 लैब्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, लॉग इन करना है और आपने यहाँ पे जितना भी आपको स्क्रिप्ट आपने चैट GPT से जनरेट किया है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और अपनी पसंद की वॉइस सेलेक्ट करके आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। स्टेप नंबर टू भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप नंबर थ्री पर, जिसमें हम अपनी इस कहानी के लिए विजुअल्स यानी कि इमेजेस जनरेट करेंगे। तो इसके लिए भी काफी सारी ऑनलाइन AI वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं यूज करूंगा ब्लू विलो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आप अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके जो आपने चैट GPT से स्टोरी जनरेट की है उसकी आपने दो दो लाइंस कॉपी करके इसके स्क्रिप्ट में ऐड करनी है /imagine लिख के, तो आपको ये उससे रिलेटेड विजुअल्स क्रिएट कर देगा। आपने एक एक करके ये काफी सारे इमेजेस जितने भी आपको चाहिए 6-7-8 आपने डाउनलोड कर लेने हैं और उनको सेव कर लेना है। स्टेप नंबर थ्री भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं फाइनल और लास्ट स्टेप की तरफ के इन सारी चीजों को यूज करके हमने वीडियो कैसे क्रिएट करनी है। तो वीडियो क्रिएट करने के लिए आप ऑनलाइन AI वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे यूज करूंगा InShot Pro क्योंकि InShot बहुत ही एक सिंपल और बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसमें आपने सिर्फ इसको ओपन करना है, आपने इसमें इमेजेस इंपोर्ट करने हैं, अपना म्यूजिक जो आपने वॉइस ओवर डाउनलोड किया आपने वो इंपोर्ट करना है। अगर आप बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक डालना चाहते हो तो आप वो डाल देना। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आएगा यूज करने में। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं इसका भी आपको ट्यूटोरियल दिखा दूंगा। तो सिंपली आपने सारी चीजों को कंबाइन करके आपने अपने फ्रेम को सही करना है, आपने इमेजेस की प्लेसमेंट सेट करनी है और ये देखिए आपकी AI से जनरेटेड किड्स की स्टोरी की वीडियो तैयार है। Once upon a time, there was a young boy named Jack who loved to explore the wilderness. One day, he decided to take his loyal dog Rusty on a hike through the jungle. Jack, अगर आप चाहो तो इसमें सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, ये सब कुछ करना कितना ही इजी है। आप भी इस तरह से किड्स का स्टोरी चैनल YouTube पे बना सकते हो और उसमें इस तरीके से वीडियोस बना के अपलोड करके आप भी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे नीचे बताओ कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज पे चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।